हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो अब तक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो हमने इन सर्विस एजुकेशन टॉपिक के बारे में पढ़ा था। इन सर्विस एजुकेशन में हमने सर्विस में रहते हुए एक व्यक्ति किस तरह से फर्दर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, फर्दर एजुकेशन ले सकते हैं और उसके बाद स्किल्ड एम्प्लॉय के तौर पर अपना काम कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। इन सर्विस एजुकेशन के टॉपिक के बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है इवेल्यूएशन। जब आप एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल एजुकेशन हो, आप एज ए लर्नर डील करते हैं और नए नए लर्निंग एक्सपीरियंस आप लेते हैं। जब उन लर्निंग एक्सपीरियंस को आप लेते हैं तो उसके बाद आपका इवेल्यूएशन किया जाता है। इवेल्यूएशन का शाब्दिक अर्थ वैसे तो मूल्यांकन होता है, जिसमें कि फाइनली आपने कितना लर्न किया, कितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अफेक्शन आया और किस तरह के एक्सपीरियंस आपने लर्निंग के थ्रू लिए, उन सभी को एसेस करने का जो तरीका है वो इवेल्यूशन कहलाता है। तो आज हम इवेल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि इवेल्यूशन क्या होता है, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या पर्पज होते हैं, किस तरह के प्रिंसिपल्स इवेल्यूशन में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से कि इवेल्यूशन की डेफिनेशंस क्या हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय अकॉर्डिंग टू रॉल्फ टेलर। रॉल्फ टेलर डिफाइंस इवेल्यूशन एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू वाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रिलेटेड। रॉल्फ टेलर ने इवेल्यूशन को परिभाषित किया। इन्होंने बताया कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, निर्धारण की जो प्रक्रिया है, डिटरमाइनिंग का मतलब है निर्धारण, जो आपको निर्धारित करना है उसकी जो प्रक्रिया है, टू वाट एक्सटेंट, कि किस लिमिट तक, किन सीमाओं तक द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रिलेटेड। जो आपने एजुकेशन ली है और जिसके लिए आपने लर्न किया है, उसका जो उद्देश्य है वो किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक आप पूरा कर पाए हैं और उसको एसेस करने की जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड इवेल्यूशन। दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेल्यूशन। इस परिभाषा में दो चीज़ों के मध्य संबंध बताया गया, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और इवेल्यूशन। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप जो लर्निंग कर रहे थे, जो एजुकेशन आपने ली है, उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था और उसके बाद इवेल्यूशन में आप कितना लर्निंग एक्सपीरियंस ले पाए। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस डेफिनेशन के माध्यम से राल्फ टेलर ने बताया। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो क्लारा एम ब्राउन के द्वारा दी गई है। आइए देखते हैं क्या डिफाइन किया है इन्होंने। इवेल्यूशन इज इसेंशियल इन द नेवर एंडिंग साइकिल। इवोल्यूशन जो है एक्चुअली ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होती है, और फॉर्मुलेटिंग गोल्स, जिसमें कि आप अपने गोल तैयार करते हैं, मीजरिंग प्रोसेस टूवर्ड्स देम, और उन गोल्स के लिए जो प्रोसेस है जिससे कि आप उसको मीजर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि क्या आपकी सीमाएं हैं, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस आपने लिया, उसको मीजर करने का जो प्रोसेस है, एंड डिटरमाइनिंग द न्यू गोल्स, और किस तरह के नए लक्ष्य आप बना सकते हैं, नए गोल्स आप बना सकते हैं, उसके बारे में ही इवेल्यूशन होता है। तो मेनली इन्होंने जो परिभाषा में कहा उसका हम सारांश अगर देखें तो एक्चुअली इवेल्यूशन एक नेवर एंडिंग साइकिल है, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होती है। देखिए, ये जो इन्होंने कहा है कि ये नेवर एंडिंग साइकिल है, वैसे तो इवेल्यूशन खुद अपने आप में एक एंड है, एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि जब आप लर्निंग एक्सपीरियंस ले लेते हैं उसके बाद लास्ट में आपको इवेल्यूएट किया जाता है। लेकिन इवेल्यूएशन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद जो रिजल्ट आपका आएगा, जो आउटकम आपका आएगा, उसके बाद आपको फिर से लर्निंग एक्सपीरियंस किस तरह के लेने हैं उसकी शुरुआत होती है। इसलिए इसे हम ये नहीं कह सकते कि इवेल्यूएशन आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस का अंत है, दिस इज नॉट एन एंडिंग। ये परिभाषाएं हमने देखी हैं। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्यूएशन, किस तरह की विशेषताएं हैं इवेल्यूशन की, वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। इवेल्यूशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कभी खत्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इवेल्यूशन इंक्लूड्स एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट। आप फॉर्मल एजुकेशन लें, आप किसी एकेडमिक क्राइटेरिया में, आप सराउंडिंग में आप लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, या फिर नॉन एकेडमिक जिसका फॉर्मल एजुकेशन से संबंध नहीं है, वैसे सब्जेक्ट भी इवेल्यूशन में शामिल किए जाते हैं। डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इवेल्यूशन का, वो है डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक
व्यक्ति के अंदर किस तरह की डिस्कवरिंग नीड्स हैं, यानी कि वो क्या तलाशना चाहता है, किस खोज में है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, एंड डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और उसने जो लर्निंग एक्सपीरियंस लिए हैं वो किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, इसका पता इवोल्यूशन के द्वारा लग सकता है, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स में रखा गया है। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन का, वो है इवोल्यूशन इज ए पर्पज ओरिएंटेड, बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इवोल्यूशन नहीं किया जाता। इवोल्यूशन के पीछे हमेशा पर्पज होगा, कुछ उद्देश्य होगा, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उसके आउटकम के बारे में, उसका फीडबैक क्या आया, कितना आप एक्सपीरियंस ले पाए, वो पर्पज ओरिएंटेड जो एस्पेक्ट है वो इवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ये विशेषताएं थी इवोल्यूशन की। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने है वो है पर्पज ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन क्यों किया जाए, इवोल्यूशन क्यों किया जाए, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, उसके बारे में हम पर्पज में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पर्पज जो है इवोल्यूशन का, टू मेक प्रोविजन फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल प्यूपिल्स, एक प्रोविजन ऐसा बनाया जाए फॉर गाइडिंग, ताकि गाइड किया जा सके द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स से है जो कि लर्निंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ है, जो उनकी लर्निंग की जो ग्रोथ है, उसके बारे में गाइडेंस का प्रोविजन एवेल्यूएशन का पर्पज है। क्योंकि जो आपने सीखा है, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, जो आप या फिर ले रहे हैं, तो एवेल्यूएशन के द्वारा उसको ठीक तरीके से आपका आउटकम देखा जा सकता है। तो पहला पर्पज यह है कि आपकी ग्रोथ का पता चल सके और उसके आगे किस तरह से गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, वो पर्पज है। द सेकेंड पर्पज इज टू डायग्नोज द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्यूपिल्स, एक विद्यार्थी की, एक लर्नर की क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या क्या उसकी ताकत है, इसका पता इवोल्यूशन के द्वारा लगाया जा सकता है। द थर्ड पर्पज इज टू लोकेट द एरियाज ऑफ नीड, कहाँ कहाँ एक लर्नर को किस किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनकी उसे आवश्यकता है, उसको पता लगाया जा सकता है इवोल्यूशन के थ्रू। द फोर्थ इज टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द करिकुलम एंड कोर्स, फॉर्मल एजुकेशन के दौरान जो आपका करिकुलम रहता है, जो सिलेबस है आपका, जो कोर्स है, किस तरह के आवर्स में आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बांटा गया है, उसमें अगर किसी तरह के मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो इवोल्यूशन के थ्रू आपको पता लग सकता है। तो ये भी एक पर्पज इवोल्यूशन का है। द नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स, एक व्यक्ति या फिर जो समूह में जो जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को एक्सपीरियंस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो बेस मिलता है वो इवोल्यूशन के द्वारा मिलता है। नई नई जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनका पता इवोल्यूशन के थ्रू लगाया जा सकता है। तो उसके लिए जो बेस तैयार करने का काम है वो इवोल्यूशन करता है। क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं, जब आपको इवोल्यूट किया जाएगा तो इवोल्यूशन के थ्रू आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ पता लगाई जाएंगी, जिससे कि और कौन कौन सी चीज़ों में मॉडिफाई किया जा सकता है आपको, और किस किस तरह की आवश्यकताएं हैं उसका पता लग सकता है। द नेक्स्ट पर्पज इज टू मोटिवेट प्यूपिल्स टुवर्ड्स बेटर अटेनमेंट एंड ग्रोथ, जो प्यूपिल हैं यानी कि जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो और ज़्यादा अपने आप में ग्रोथ कर सकें और ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस को अटेंड कर सकें, उसके लिए मोटिवेशन का काम करता है इवोल्यूशन। जैसे कि आपके एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप आगे और अच्छा करें, बिल्कुल वैसा ही इवोल्यूशन का पर्पज है। द नेक्स्ट पर्पज इज टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ टीचर, एक टीचर की कार्य क्षमता का भी पता इवोल्यूशन के थ्रू लगाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे लर्नर्स को, किस तरह के गाइडेंस के थ्रू आप नए नए लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकेंगे, उसके इम्प्रोवाइजेशन में भी इवोल्यूशन काम करता है। एंड द नेक्स्ट पर्पज इज टू ब्रिंग आउट द कैपेबिलिटीज ऑफ प्यूपिल्स, लर्नर्स के अंदर किस तरह की योग्यताएं हैं, किस तरह की क्षमताएं हैं, उन्हें और बाहर निकालने का काम इवोल्यूशन के थ्रू किया जा सकता है। ये सभी इवोल्यूशन के पर्पज हैं और इन्हीं कारणों से इसी पर्पज के आउटकम को देखने के लिए इवोल्यूशन किया जाता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन, कि आपका इवोल्यूशन तो किया जा रहा है लेकिन किस तरह के प्रिंसिपल्स इवोल्यूशन के अंदर होने चाहिए जिससे कि इवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल। इसमें देखते हैं हम कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। इवोल्यूशन शुड बी सीन एज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अभिन्न अंग है।
फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पीपल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एक लर्नर का, एक विद्यार्थी की लर्निंग जो है और उसका जो डेवलपमेंट है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति का निर्धारण, नेचर को डिटरमाइन करना, एंड एक्सटेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एक्सटेंट का मतलब है उसकी लिमिटेशंस, उन सभी को डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस है वो इवैल्यूएशन है। दिस प्रोसेस विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। इवैल्यूएशन के प्रोसेस को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है यदि इन सिद्धांतों की अनुपालना की जाए, ये प्रिंसिपल्स इवैल्यूएशन में इंक्लूड किए जाएं। यू मस्ट इंक्लूड दीज काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स टू इवैल्यूएट योर लर्नर्स। सबसे पहला हम देखते हैं क्या प्रिंसिपल है। क्लियरली स्पेसिफाइंग व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड हैज प्रायोरिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। मूल्यांकन प्रक्रिया को आप फॉलो करते समय सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ का इवैल्यूएशन करना है। क्लियरली स्पेसिफाइंग, आपको साफ साफ ये पता हो व्हाट इज़ टू बी इवैल्यूएटेड, किस का इवैल्यूएशन करना है और कौन से कंटेंट के लिए आप आपके लर्नर को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप एक्चुअली में जो चीज़, जो आउटकम आप स्टूडेंट से चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन इवैल्यूएशन टेक्निक शुड बी सेलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस टू बी मेजर्ड। इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है, इवैल्यूएशन की जो टेक्निक्स हैं, शुड बी सेलेक्टेड, उनका चयन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लर्नर की परफॉर्मेंस के आधार पर, टू बी मेजर्ड, जिसको कि आपको मेजर करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है, इवैल्यूएशन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इवैल्यूएशन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक निश्चित इवैल्यूएशन प्रोसेस या फिर निश्चित एक इवैल्यूएशन टेस्ट जो है उनका ही इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग तरीके की इवैल्यूएशन टेक्निक का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में इवैल्यूएशन करने के लिए किया जाना चाहिए। नो सिंगल टाइप ऑफ प्रोसीजर कैन असेस द लर्निंग एंड डेवलपमेंट आउटकम। केवल एक ही प्रकार की इवैल्यूएशन की जो प्रोसीजर है वो लर्निंग और डेवलपमेंट के आउटकम को प्रभावी रूप से असेस नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ अचीवमेंट आर यूजफुल। जब जैसे कि आपको भी हम देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पर कह रहे हैं इवैल्यूएशन के लिए। ये एक प्रोसीजर है, इवैल्यूएशन टेक्निक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ अचीवमेंट आर यूजफुल फॉर मेजरिंग नॉलेज। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो उपयोगी है मेजरिंग नॉलेज, एक तो स्टूडेंट की नॉलेज को मेजर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग, और बच्चे की समझ कितनी है, उस लर्नर की समझ कितनी है उसको टेस्ट करने के लिए। बट एसआई टेस्ट एंड अदर रिटन टेस्ट आर नीडेड टू मेजर द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस आइडियाज। लेकिन जब आपको ऐसे टेस्ट दिए जाते हैं या फिर रिटन टेस्ट जो दिए जाते हैं, एक तो हुए ऑब्जेक्टिव और एक हुए आपके एसआई टेस्ट, इन दोनों में फर्क क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट हैं वो तो लर्नर की नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग को बताते हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट और रिटन टेस्ट यानी कि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं आर नीडेड, उनको आवश्यकता होती है टू मेजर द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस आइडियाज, ताकि आप लर्नर जो है आपका उसके अंदर की ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज का पता लगाया जा सके और उसमें आइडियाज किस तरह के हैं, वो अपने आइडियाज किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है और कितना कंटेंट उसे समझ में आया है वो अपने खुद के आइडियाज के द्वारा एक्सप्रेस कर सके, उसके लिए ऐसे टेस्ट या अदर रिटन टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें एक बात आप समझ लें कि किसी भी एक इवैल्यूएशन टेक्निक का इस्तेमाल हर जगह इवैल्यूएशन में नहीं किया जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इवैल्यूएशन करने का, उस आधार पर इवैल्यूएशन टेक्निक का चयन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप किसी लर्नर को इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज, इवैल्यूएशन इज ए मींस टू एन एंड। वैसे तो इवैल्यूएशन खुद अपने आप में एक अंत है या एंड है, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, लेकिन इसके अंदर एंड नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम इसमें टॉपिक में फर्स्ट टाइम ही आपको बताया था, दिस इज नेवर एंडिंग साइकिल। क्योंकि वैसे तो इवैल्यूएशन सबसे अंत में किया जाता है, लेकिन इवैल्यूएशन अंत होकर भी आगे की एक शुरुआत है, क्योंकि इवैल्यूएशन के द्वारा ये पता चल पाएगा आपका आउटकम क्या है, क्या फीडबैक आपका है, कितना रेस्पॉन्स है, कितना एक्सपीरियंस आपने लिया और किन किन चीज़ों के मॉडिफिकेशन की आपको आवश्यकता आगे के लिए है। तो ये आज हमने इवैल्यूएशन टॉपिक में पढ़ा। तो आज हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं
और अब हम आगे के वीडियो में इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।